से जो जो लोग हैं, द जर्म ऑफ द आइडिया केम फ्रॉम खुर्रम सैयद साहब, जिन्होंने हमें पहली बार सॉन्ग को भेजा और हमें बताया कि आपको कैसा लगा था। वी वांट टू मेक दिस सॉन्ग, सो वी सेड दैट यस वी आर रेडी एंड आवर टीम विजिटेड दिस दरगाह, बड़ी दरगाह इन नवसारी। सो वी वांटेड टू गेट दैट एक्सपीरियंस दैट हाउ इज द जो भी उनके बारे में कहा गया है वगैरह, तो हम जाके देखते हैं व्हाट इज द पॉजिटिव एनर्जी। सो व्हेन वी विजिटेड द बड़ी दरगाह, वी वर ओवरवेल्ड विद द एनर्जी एंड आई कैन से यू दैट मोंटी सैयद साहब हैं जो वहाँ पर, उनकी जनरेशन है, 45 जनरेशन में आते हैं, और बड़ी दरगाह के हजरत नूर मोहम्मद पीर सतगोर बाबा ये 1235 ईयर्स पहले आए थे। सो ही इज़ वेरी वेल नोन फॉर यूनिटी अमंग ऑल दी कास्ट एंड रिलीजन्स। सो वहाँ पर इफ यू सी दैट लाइक 70 to 80% हिंदू पॉपुलेशन आर विजिटिंग दिस दरगाह, एंड दिस इज ओनली दरगाह वेयर वुमेन ऑल्सो विजिट। सो वी वर लाइक व्हेन वी गॉट टू नो अबाउट हिम एंड हिज लेगेसी। आप हमें दे रहे हैं इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और कमाल की बात यह है कि मैंने अपना पन्ना वहां रख दिया, क्योंकि हमारे नजर साहब ने इतना कुछ बोल दिया कि बोलने को बाकी रहा नहीं, और जो कुछ बचा था हमारे कबीरा जी ने बोल दिया। तो शायरों से कोई चीज बची नहीं है, और मैं सोच के बहुत कुछ आया था, लिखा बहुत कुछ था, मगर कमाल की बात है जिन्होंने लिखा भी नहीं और जिन्होंने पढ़ा भी नहीं वो सब कुछ बोल के चले गए, और लिखने वाले बस हाथ मलते रह गए। तो कहने को कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक अनुभव आप लोगों से दो लाइन में पेश कर रहा हूं कि हिंदुस्तान जो है ना, इतना कमाल है कि मैं आपसे ये कहूं कि हिंदुस्तान को पसंद करना और हिंदुस्तान को जानना दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे हम अपनी माँ को पसंद करते हैं मगर हमारी माँ को हम जानते नहीं, हाँ अगर हमें हिंदुस्तान को जानना है तो हमें यात्राएं करनी होगी। हिंदुस्तान को जानने के लिए उस कोने कोने में जाना होगा जहां छोटा शहर है, जहां बड़ा शहर है, जहां तमाम हिंदुस्तान में इतनी आला हस्तियां पैदा हुई हैं, यहीं पर क्यों बहुत अवतार हुए, ये हमको जानने के लिए वहां जाना पड़ेगा। हर एक शहर में एक मंदिर है, एक मस्जिद है, जो शहर उस नाम से मशहूर है, क्या ऐसी बात है। जब मैं खुर्रम सईद साहब अमेरिका से बोले के एक गाना जब इन्होंने मुझे सुनाया, और हम गाना कब सुनाया, जब हम नवसारी जा रहे थे कार में, तो जब सुनाया तो मुझे लगा यार गाना तो बड़ा रूहानी है, और मुझे बहुत कशिश लगी। और मोंटी सईद साहब ने वहीं अमेरिका से मुझे फोन लगाया, उसी वक्त व्हाट्सएप कॉल किया, और वो डिस्क्राइब करते रहे, तो मुझे ऐसा लगा ये तो सारे रिचुअल्स जो हिंदुओं वाले और सब हिंदुओं वाली बात चल रही है, और जब वहां जाके देखा तो 80% हिंदू आ रहे, तो मैं बहुत ही मेस्पराइज हो गया। और इसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, जब वहां जब पहुंचा, और एक कमाल की बात यह कि जितने भी हिंदुस्तान में बहुत पुरानी जगह है उनमें बहुत ऑथेंटिसिटी होती है। जितना पुराना स्थान होगा, चाहे देवी का, हमारे रूमी साहब जानते हैं कि हमारे भोपाल में, मैं बरसिया से हूं, तो मेरे घर के सामने मंदिर है और बगल में मस्जिद है, और जिस गांव से हूं वहां देवी का स्थान है, और हमारे खेत में जिद बाबा का स्थान है। तो इतना कमाल का कल्चर, अगर ये हमने इस जन्म में नहीं जाना कि कैसे एक दूसरे में समावेश है, जहां हम नारियल चढ़ा रहे हैं, जहां हम मंदिर की घंटी बजा रहे हैं, वहां लोबान भी चढ़ा रहे हैं। तो ये जब मैं गया वहां उस दरगाह में, तो मुझे बहुत डिवाइन फील हुआ, और मुझे लगा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये करूंगा, और मौका दिया, सर ने बहुत विश्वास किया, क्योंकि एक ऐसे कल्चर को पेश करना जो अदब की मिसाल है, उसको टच भी करना हमारे मतलब बस में नहीं था, मगर ऊपर वाले ने लाज रखी, और मैं तो क्या कहूँगा, रूमी भाई बैठे हुए हैं, और हिंदुस्तान
इनके कलामों को इनकी राइटिंग को बहुत मानता है, जानता है, आप तो बचपन से देखते आ रहे हैं, तो शुक्रिया वो यहाँ पर आए हैं। और बहुत रूह को छूने वाला गाना, इसको गाना नहीं बोलना चाहिए, ये तो एक नात है, एक जिसे बोलते हैं इबादत के लिए गाई जाने वाली चीज़ है, जो सुनने में भी बहुत रूह को सुकून देती है, बहुत अच्छी लगी। एक्टर भी अच्छे हैं, डायरेक्टर भी अच्छे हैं, इन्होंने शूट भी अच्छा किया और बोलते भी अच्छे हैं, मैंने अभी सुना यही बोल रहा था अभी उधर में, और इन्होंने बहुत टॉली जो है अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। सर ये मेरे लिए सौभाग्य है कि रूमी सर आए हैं, और मतलब ये समझ लीजिए कि समंदर हैं और हम बूंद हैं, तो बस यही है, और इनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, और ये आज हमारे साथ बैठे हैं तो ये प्रभु की कृपा हो गई बस। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्या है जैसे जब मैं आया ना, ये भोपाल से हैं, मैं भोपाल से आया, तो जावेद साहब भोपाल से गए तो हम जावेद साहब को ऐसे देखते थे, और फिर अब हम आए तो ये बैठ रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी एक दिन ऐसे बैठे होंगे और इनसे जूनियर इनके बारे में बोल रहे होंगे। जी मेरा प्रोडक्शन है, लेकिन बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ अकेले मेरे नाम से हो नहीं सकता और मैं अकेले कुछ कर भी नहीं सकती। हमारे प्रोड्यूसर हैं ये रजनीश जी हैं, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो बस हम साथ में हैं तो ये प्रोडक्शन है। ओमशील प्रोडक्शन वन कुछ बताइए क्या कुछ। ओमशील प्रोडक्शन की हमेशा ये कोशिश रहेगी और रही है कि किसी अच्छी कहानी, सच्ची कहानी, कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जिसका कोई मैसेज हो, कहीं ना कहीं मीनिंगफुल फिल्में बनाना या जो भी आर्ट से रिलेटेड जो भी काम करना वो वही हो, सिर्फ बनाने के लिए या सिर्फ कहते ना कमर्शियल नाम लगा दिया कि कमर्शियल होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं, हम आर्ट के लिए ही काम करेंगे हमेशा, और ऐसी ही हमने फिल्म बनाई है और आगे भी ऐसा ही। यहाँ आए उतनी देर में मैंने उनको ऑब्जर्व किया है, ये सबसे ज़्यादा उन फिल्मों से भी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातें, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और मैं भी सर के बारे में बोला, इतना कंफर्टेबल कर दिया है मुझे, मैं पहले बहुत घबरा रहा था कि मैं बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि देखिए जो बहुत काम किया है, और जब किसी सीनियर के सामने आप जाते हो तो आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, मगर मुझे जब ये एंट्री किया जो हमारे पास बैठे, तो ऐसा लगा जैसे हमारे अपने परिवार के कोई बैठे हुए हैं, और बहुत सहज कर दिया। थैंक यू, शर्मिंदा कर रहा हूँ, कर रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ बन गई, और ज़्यादा रजनीश को जाता है काम कि उनकी सोच और उनकी जो लगन थी कि हम इसको कंप्लीट करेंगे, ये दोनों की उसमें हम लोग कंप्लीट करें। खाली मेरे को एक बहुत बात बोलने का है कि इमाम हिंद पूर्व पीर नूर सतगुरु सैयद सादात, वो उनका मैसेज डिलीवर हुआ था 12-35 ईयर्स बैक, कल 27 तारीख को उनका उरूस है, उनका उरूस है कल, उरूस मुबारक है कल 27 तारीख को, और हमको जैसा रजनीश भी बोले हैं, अभी तक बहुत पूरे साल बोले हैं कि एक ऐसी जगह है वो कि हमको कुछ हो जाता है वहाँ जाके, तो हम लोग कोशिश करें थोड़ी बहुत, ये दोनों का बहुत बड़ा हाथ है इसमें इम्प्लीमेंट करने में। रजनीश जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, काफ़ी अर्सों से हम लोग की दोस्ती है, तो जहाँ रजनीश जी होते हैं वहाँ हम आ जाते हैं, बस इतना ही है। मैं तो वेल विशर हूँ लोगों का, और मैं तो दुआ कर रहा हूँ। लाइक अहमद जी है, और ये बहुत अच्छे दोस्तों के दोस्त, यारों के यार, और बस मदद करने वाले, हर जगह सपोर्ट करने वाले, ये भी हमारे प्रोड्यूसर है। इस इमाम हिंद के तो सिर्फ खुर्रम सैयद ही है, मगर हमारी दूसरी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जो प्यारी तरावरी द ट्रू स्टोरी आ रही है के प्रोड्यूसर। इंशाल्लाह अभी बहुत सारी करने की ख्वाहिश है, अभी हम लोग इंटरनेशनली कुछ करने वाले हैं आइंदा, जल्द से जल्द, तो वो आप लोगों को सबको पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट है, यही हमारी ताकत है, हम पूरी दुनिया में अपनी एकता के लिए जाने जाते हैं। हिंदुस्तान से दुनिया शुरू होती है, दुनिया में जब सबसे पहला इंसान आया है
तो वो हिंदुस्तान में आया। हज़रत आदम अलैहि सलाम जो हैं श्रीलंका उस वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो हमें इस बात पर प्राउड है कि दुनिया की बुनियाद में हम हैं। और जहाँ तक बात करते हैं फिल्मों की, फिल्में हमारी हमारे समाज का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा आईना है। जो समाज में होता है वो फिल्में हमें दिखाती हैं। फिल्में देखने का, फिल्में बनाने के और फिल्में चलाने के अलग अलग ख्याल हो सकते हैं, लेकिन फिल्में देखिए, आज विलन कितना भी पावरफुल हो, एक हीरो आता है और वो हीरो आके उसको मिटा देता है। इसी तरह ज़िंदगी के हिस्से में, चाहे प्रॉफिट हो, राम हो, या हमारे जितने भी देवता औलिया जितने भी लोग हैं, ये हीरो बन के आए हैं और इन्होंने बुराई को मिटाया है। आजकल मीडिया बड़े निशाने पर है, खासकर हिंदुस्तान की मीडिया, लेकिन मीडिया इतनी पावरफुल चीज़ है कि मीडिया अगर चाहे तो जो चाहे करा सकती है। तो हम मुश्किल क्या है कि मैंने एक शेर पढ़ा था कलम के हवाले से, हम अपनी ताकत को कभी कभी नहीं जानते, और अपनी ताकत का अगर लोहा मनवा लें थोड़ा सा सब्र है। और ये कैमरे, ये कलम, ये हमारे समाज का इतना बड़ा आईना है कि इसमें हम अपना मुस्तकबिल दे सकते हैं, अपनी नस्लों का मुस्तकबिल देख सकते हैं। तो मैं तमाम मीडिया वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऊपर वाले ने आपको इस काम के लिए चुना है कि आप समाज को सच दिखाते हैं। लोगों जो लोग दुनिया को, उसकी दुनिया को, हमारी दुनिया को ख़राब करना चाहते हैं, वो जब सारी चीज़ें नाकाम हो जाती हैं तो सबको बेनकाब करने का काम आप लोग करते हैं। सलाम आपको, आपकी अजमतों को, और मैं चाहूँगा कि आपको ऊपर वाला इतना हौसला दे कि आप इसी तरह अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाते हैं, वो काम जो लोग घरों में आराम से सोते हैं आप समाज को उन चीज़ों पर लाके दिखाते हैं, ज़िंदगी जीने का हुनर सिखाते हैं। तो बाकी शायरी में होंगी सारी बातें। मेरा एक शेर है कि कहानी पर कहानी लिख रहा है, वो खुद ही अपना सानी लिख रहा है, कहीं मिट्टी पे मिट्टी लिख रहा है, कहीं पानी पे पानी लिख रहा है। तो हम आप लोग जो है ना, कहीं मिट्टी पे मिट्टी लिखते हैं, कहीं पानी पे पानी लिखते हैं, लेकिन इस बात को या तो हम जानते हैं या हमारा ज़मीर जानता है, लोग नहीं जानते। तो हम बहुत मखसूस हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।